प्यारे बच्चों, सेकेंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है टेट का। और आइए बच्चों से जानते हैं कि पेपर उनका कैसा आया है, कठिन क्वेश्चन आया है कि सरल क्वेश्चन आया है, और कल का पेपर कैसा हो सकता है, कठिन हो सकता है, सरल हो सकता है, इससे अच्छा विश्लेषण किया जा सकता है। तो आइए देखिए, इस वीडियो में पता चल जाएगा कि कल का पेपर सरल आएगा, कठिन आएगा, और आज का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ है कठिन आया था कि सरल आया था, बच्चों की जुबानी आज देखते हैं। लंबी लाइन है यहाँ पर, काफी लोग जो है, कुछ लोग निकल चुके हैं। देखिए लाइन मैं दिखाना चाहूंगा, जो है आप देख सकते हैं, ये हमारे जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट यानी मैरी इंटर कॉलेज के सेकंड शिफ्ट के जो हमारे भाई हैं, बहने हैं, जो है वो इस फॉर्म में, सभी लोग जो आप देख सकते हैं, जो है हमारे और पत्रकार बंधु यहाँ पर जो है आ चुके हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद जो है। और देख सकते हैं पूरी लाइन जो बहुत लंबी लाइन है, जो है एक तरह से बेरोजगारी का ही मुद्दा है, कुछ भी कहा जाए। देख सकते हैं मोबाइल पेपर के बारे में, सुबह के पेपर के बारे में हमने आपको दिखाया था, अभी सेकंड मीटिंग वाले पेपर के बारे में दिखाते हैं। यहाँ पर भैया जो बात करते हैं, भैया जी पेपर कैसा था? अरे पेपर अच्छा था। अच्छा था, कौन सा अटेम्प्ट है आपका? थर्ड अटेम्प्ट। कौन सा अटेम्प्ट है ये? थर्ड अटेम्प्ट। अच्छा, मतलब पेपर सही था। भैया जी पेपर आपको कैसा लगा? बढ़िया पेपर था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, अच्छा लगा। अच्छा लगा, कौन से, मतलब कोई टॉपिक जैसे कि जीएस मैथ रीजनिंग में जो है किसमें प्रॉब्लम थी? यह सब बढ़िया था, रीजनिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आई, हल्का बहुत, बाकी सही था। वो पेपर कैसा था? पेपर अच्छा था, बट ग्राफ में थोड़ा टफ क्वेश्चन, मतलब मैथ में। कौन सा अटेम्प्ट है ये? मैथ नहीं, ग्राफ जो है ना, डीआई। हाँ डीआई में हो रहा है कि क्वेश्चन आ रहा है, दो दो ग्राफ। ये कौन सा अटेम्प्ट है? दूसरा ग्राफ। अच्छा, दूसरा है। और सही था पहले की अपेक्षा? हाँ, पहले के अपेक्षा तो है कि नहीं आया जीएस में, वो जो नहीं है ग्राफ बता रहे हैं, ग्राफ थोड़ा टफ है। जीएस में तो देखिए समस्या होती है, जीएस में जब टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा जाएगा उसमें समस्या, जीएस कभी कोई पूरा नहीं कर पाता है, वो तो है। कहाँ से पूछ ले, किसी थोड़ा थोड़ा ना होता है। पेपर कैसा था? सब सही था, सिर्फ मैथ वाला क्वेश्चन था, उसमें डाटा आधा दिया था। अच्छा, आधा दिया, आधा उसमें हल्के निकालना, तब पेपर होता। अच्छा, और जितना और सब बढ़िया, सब सही था। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? हमारा तीसरा है। अच्छा, तीसरा है, मतलब हाँ। पिछली बार की अपेक्षा इस बार का सही था? मैथ बता रहा, मतलब वही है, नहीं हमारे लिए सबसे सेम है। अच्छा, मतलब जितना दिया ना सब सेम है, ठीक है। और भाइयों से बात करते हैं, पेपर कैसा था? पिछली बार के पेक्षा थोड़ा टफ लग रहा था, टफ था इस बार का। और बाकी कौन सा, मतलब टॉपिक पॉलिटी जीएस में क्या कैसा था? मैंने इजीली क्वेश्चन नहीं थे, बहुत डीपली क्वेश्चन थे। अच्छा, मतलब पिछली बार की अपेक्षा टफ था, मेन कहा जाइए, आज के एनालिसिस में ये हुआ, बहुत ज्यादा टफ था। हाँ, बहुत ज्यादा। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। अच्छा, तीसरा है। ये पिछली बार की अपेक्षा इस बार में क्या? पिछली बार में थोड़ा डीआई टफ था, इसमें मतलब सब क्वेश्चन टफ था, सिर्फ हिंदू पे छोड़। हमने सुबह शिफ्ट के भाइयों से भी बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि पेपर टफ है, तो इस शिफ्ट में भी जब बात की गई, यहाँ पर भी पेपर टफ ही बताया जा रहा है। पिछले शिफ्ट में भी लोगों ने ग्राफ के बारे में बताया था, ग्राफ में समस्या है, 20 डीआई में मुश्किल से 10-12 बनाना कठिन हो जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आपका पेपर कैसा हुआ, मतलब पेपर कैसा था? वैसा ही हुआ है। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा दूसरा है। पिछली बार की अपेक्षा क्या कुछ परिवर्तन बदलाव हुए हैं कि पहले जैसा ही है? पिछले बार से परिवर्तन हुआ है, मतलब आपके अंदर परिवर्तन हुआ पेपर में, जैसे पिछले मान लीजिए हमने कुछ सही किया है, इस बार हमने ज्यादा सही कर लिया, तो कुछ परिवर्तन पिछली बार से इस बार में हुए? नहीं सर, इस बार तो ऐसा नहीं। अच्छा, ये टफ था का बता रहे हैं। आपका पेपर भैया जी एवरेज गया भैया, पहला अटेम्प्ट था, पहला अटेम्प्ट था। लेकिन आपने कब से इसकी स्टार्टिंग स्टार्ट की, लगभग कब से इसकी स्टार्टिंग, मतलब तैयारी करना स्टार्ट किया? 7-8 महीने हो गया। आपका मतलब पेपर एक तरह सही है ना? चलिए, बहुत सही था पेपर। ग्राफ में दिक्कत हुई थोड़ी बहुत। आपको भी ग्राफ मेन, वही ग्राफ वाला जो सिस्टम है, ग्राफ वाले। भैया जी आपका पेपर कैसा? हमारा तो ना दिवावा है, ले लिया। अच्छा, दिलाने आए थे। दिलाने, क्योंकि इसमें हम नहीं कह सकते किसको अब कौन सा, क्योंकि चलिए आपका पेपर तो भैया, ये कैसा मतलब रहा पेपर? पेपर ठीक था, एवरेज गया है। पिछली बार की अपेक्षा कैसा? पिछली बार की अपेक्षा भी, मतलब पिछली बार जैसा हुआ था वैसा ही पेपर आया है। जी जी, हाँ, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, अब कल भी पेपर है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा किसी में टफ है, किसी में हल्का है। एवरेज जी, लोग बता रहे हैं कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार का टफ था। हाँ, क्योंकि उसका जो डीआई का क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंदी है, हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है उसमें भी थोड़ा बहुत टिपिकल पूछा हुआ है। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन जो है वो ठीक है, इंग्लिश भी ठीक है। आपका शुभ नाम क्या है? अर्जुन यादव, गाजीपुर के हैं, बनारस से। सेंटर यहाँ पर बनारस से आईएएस का पेपर देके निकले भाई, मतलब बताया जा रहा है कि आईएएस से, आईएएस के पेपर से भी
ये टफ पेपर रहा और काफी कठिन पेपर था जो इसमें, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत सारे भाई पढ़ ही नहीं रहे, बात ये है और कुछ नहीं है। ये हमारे एक भाई ने यहाँ पर सबसे बड़ी अच्छी बात कही कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, उसको टफ लग रहा है, अगर पढ़ोगे तो कुछ भी टफ नहीं। बहुत पढ़ के आए हैं, एक एक साल की तैयारी रही होगी कहीं ना कहीं, कोई नहीं तैयारी करता भैया, लेकिन कुछ लोग करते हैं वो भी, वो जो स्टार्टिंग वाले होंगे न्यू पॉइंट से स्टार्ट करेंगे वही होंगे, बहुत साल से लगे होंगे वो नहीं करेगा। चलिए बहुत रहा, और भैया से बात करते हैं। भैया जी आपके पेपर कैसे गए? अच्छा गया। अच्छा कहाँ से हैं? बनारस से। आपका शुभ नाम? विकास पाल। विकास पाल, कैसा पेपर गया? ठीक है, सही था। चलिए ठीक है, आपका अटेम्प्ट पहला अटेम्प्ट है कि दूसरा? नहीं दूसरा अटेम्प्ट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भैया जी पेपर कैसे है? अच्छा गया। कहाँ से हैं आप? बनारस। आपका शुभ नाम? राहुल। अच्छा राहुल, कैसा राहुल भाई पेपर रहा आपका? पेपर ठीक रहा सर, लेकिन थोड़ा डीआई में कंज्यूम मतलब बहुत ज्यादा वो होता है। अच्छा एक तरह से कहा जाए कठिन था कि नहीं, मतलब जीएस वो तो ठीक था, बाकी ये जो डीआई था, डीआई थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे दिया। डीआई मतलब कैलकुलेटिव था, लेकिन जो हमारे कल भाइयों का जो पेपर रहेगा, आप कौन से टॉपिक में फोकस करना चाहेंगे कि ये टॉपिक पढ़ लीजिए जरूर, मतलब ये आपको फंसाए गए क्वेश्चन? ग्राफ कुछ लोग बता रहे हैं। ग्राफ देखिए, ग्राफ से तो पूछना क्वेश्चन है, जीएस से जैसे आपका ये मतलब ये दिल्ली सल्तनत से पूछा भाई जी, आपका सही है बस। कहाँ से? बनारस से? नहीं गाजीपुर। अच्छा गाजीपुर से। आपका शुभ नाम क्या? अविनाश सोहन। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? थर्ड। थर्ड है, ये पिछली बार के अपेक्षा इस बार का पेपर? भैया आपका पेपर कैसा? सही हुआ भैया जी। सही था। कहाँ से हैं? गाजीपुर से। गाजीपुर से। गाजीपुर से। आपका शुभ नाम क्या है? आलोक कुमार। आलोक कुमार भैया, आपका कौन सा अटेम्प्ट है? तीसरा सर। तो पिछली बार के अपेक्षा इस बार कुछ सुधार हुआ? पेपर कैसा था? पेपर अच्छा था सर। पेपर अच्छा था? हाँ। टफ तो नहीं था? टफ नहीं था। काफी लोग कह रहे हैं भैया जी ग्राफ को आपने समस्या है। ग्राफ में थोड़ा समस्या है, पहली बार की अपेक्षा। अच्छा पहली बार के। भैया जी आपका पेपर कैसा? अच्छा हुआ सर। अच्छा सर। हाँ। आपका शुभ नाम क्या है? आबिद। कहाँ से हैं? बनारस। आपका पेपर मतलब आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये तीसरी बार। तीसरी बार, क्या प्रॉब्लम मतलब? क्या मतलब एक तरह से कुछ डीआई एकदम अलग थी इस बार की। अच्छा डीआई एकदम अलग थी, काफी लोग यही बता रहे हैं, और तो सारा नॉर्मल था, सिर्फ डीआई जो है एकदम अलग थी। चलिए बहुत धन्यवाद भैया जी, बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर भाई कैसा था? पेपर तो अच्छा था, बल्कि ये डीआई बहुत हार्ड, डीआई पिछले के बच्चा बहुत अच्छा। अच्छा आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विनय कुमार है। कहाँ? बनारस से। बनारस से। अच्छा आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये पहला है। पहला है। पिछली बार देखे थे पेपर? अच्छा पेपर देखे, बहुत हार्ड, मतलब वो सिंपल था, इस बार बहुत। पिछली बार सिंपल था, इस बार हार्ड रहा, डीआई स्पेशली। डीआई पेपर थोड़ा सा मिक्सचर था, बहुत नहीं कर पाई थी जितना पड़ेगा। आपको भैया कैसा था पेपर? सही था। सही था। आप कहाँ से? बनारस से हैं। आपका शुभ नाम क्या है? आशीष पटेल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर ज्यादा कठिन तो नहीं था? डीआई था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफी ये भाइयों की भीड़ तरह से बता सकते हैं जो है, ये हमारे भाइयों की भीड़ मोबाइल लेने के लिए लगी हुई है। मैं पहले सोच रहा था लगता है कुछ और फॉर्म हम भरे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है मोबाइल के लिए भीड़ लगी हुई है। काफी भाई जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर 2023 में हमारे भाई आए हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है यहाँ पर ग्राफ से ज्यादा यानी ग्राफ और डीआई काफी समस्या पेपर में दे रहे थे। भैया जी आपका पेपर कैसा? सही गया है। कहाँ से? बनारस से। जी गाजीपुर से। रब कार कॉपी को एक्स्ट्रा। अच्छा रब कार की मेन समस्या ही है, 25 क्वेश्चन तो एक दो पेज लगते हैं। भैया जी की ये समस्या थी कि रफ कार के लिए कापियाँ पेज कम दिए गए और मेन समस्या ये रही, बहुत बड़ी बात है। भैया जी आपका पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत बढ़िया था। कहाँ से हैं आप? वाराणसी से। अच्छा वाराणसी से। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? क्या कौन सा अटेम्प्ट है मतलब पहली बार? तीसरी बार। तो पिछले दो सालों के पहले मतलब जो जैसा फर्स्ट बार का सही आया था, फिर दोबारा हार्ड आया था, इस बार भी थोड़ा हार्ड है। अच्छा इस बार ग्राफ और तालिका वाला। अच्छा ग्राफ में समझते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका पेपर कैसा? ठीक है बस। कहाँ? बनारस से। गाजीपुर। अच्छा गाजीपुर से। काफी रातों जगी आप सुबह चले होंगे? सुबह चले थे। अब फिर बहुत संघर्ष तो लगता है, लेकिन पेपर पिछली आपका कौन सा अटेम्प्ट थी? सेकंड। तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार का? पिछली बार से टफ था इस बार पेपर। अच्छा पिछली बार से इस बार का टफ था। काफी लोग बता रहे डीआई ग्राफ में काफी, डीआई और ग्राफ में ज्यादा टाइम ज्यादा। सबको समझते तो सबके साथ यही होगा उसमें। आपका भैया जी पेपर सर एवरेज हुआ है। आपका नाम क्या है? रोहित कुमार। रोहित कुमार। आप कहाँ से? गाजीपुर से। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? सेकंड राउंड। सेकंड अटेम्प्ट। और इस बार मतलब गाजीपुर नहीं, कुछ लोग बनारस से भैया बसे थे ना इसमें? नहीं नहीं नहीं, मऊ से और गाजीपुर। मऊ गाजीपुर बनारस तीन सेंटर आए हुए हैं, तो कोई बनारस कोई तो एक तरह से बनारस की लाइन मिल रही थी, तो हमने सोचा कोई गाजीपुर बनारस से। आपका कैसा गया? मेरा सही गया। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा श्याम है। अच्छा आप कहाँ से? मैं गाजीपुर का रहने। गाजीपुर से। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा दूसरा अटेम्प्ट। दूसरा। तो पहले वाले से ये वाला पेपर कैसा? ये वाला थोड़ा ठीक गया पहले वाले से। अच्छा ये वाला सही गया है? ये वाला सही गया। तो आपने कुछ खुश की बात बताई, लोग बोलते हैं बहुत टफ है। आपका पेपर भैया जी? बढ़िया गया। सही गया है। आपका पेपर? अच्छा गया। आपका भैया जी?
पिछली बार से एवरेज गया, पिछली बार से मतलब कोई लोग बता रहे हैं डीआई ग्राफ में काफी प्रॉब्लम थी, काफी मतलब डिफिकल्ट लेवल का था। कहां से हैं? कैलकुलेटर, गाजीपुर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा हुआ। नमस्कार, मैं आशीष पटेल के साथ, आप देख रहे हैं मैरी गर्ल्स इंटर कॉलेज में। आपको ये आज सेकंड शिफ्ट का पेपर के बारे में एनालिसिस करवाया है। अगर आपका कल पेपर है तो ग्राफ डीआईवाई मजबूत कीजिएगा, नहीं तो काफी समस्या दे सकती है टॉपिक। आप देख सकते हैं काफी लंबी लाइन है। नमस्कार, आप देख सकते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।